अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वेलकम करते हैं आपको अपने व्लॉग के अंदर। तो यार गाइज, हाँ बोलने तो दे पहले। तो यार आज का हमारा जो कंटेंट था, आज हमारा रोज़ा, मेरे भाई का भी रोज़ा है, और जो है आज अम्मी ने बनाई है बिरयानी, क्योंकि मेरी सालगिरह थी इस वजह से अम्मी ने इस मौके पे बिरयानी बनाई है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि केक लेंगे, उसको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हमारा ऐसा हुआ नहीं। हम गए व्लॉग के बाद ही केक ले रहे हैं, केक ला के रख दिया हमने, बोला रोज़ा है तब रोज़े में काट लेंगे हम केक इनका, और बिरयानी बना दी अम्मी ने। अम्मी ने चलो यार बच्चा खुश हो जाएगा। हाँ तो रोज़े के अंदर जो हमने आपको बिरयानी दिखाते हैं, फिर उसके बाद नहीं, नहीं इनका रोज़ा यार, ये लोग तो बेचारे बोलेंगे। नहीं नहीं दिखा तो दिखा, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो यार, इतना भी ईमान कच्चा नहीं तुम लोगों का यार, थोड़ा बर्दाश्त करो। बिरयानी देखो, फिर इफ्तार के अंदर केक काटेंगे। मुझे नहीं लगता क्योंकि ना हम लोग जो है इफ्तार के अंदर तुम्हारे को बिरयानी दिखा सके, क्योंकि यार इफ्तार का भी टाइम नहीं बचा, और मतलब कि इफ्तार में थोड़ा टाइम नहीं बचा, थोड़ा सा टाइम है इफ्तार के अंदर, तो यार बिरयानी दिखा नहीं सके, लेकिन केक ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं बिरयानी, इफ्तारी दिखाएंगे, फिर इफ्तारी के बाद शायद हम कहीं जाएँ, कुछ कहीं भी ना जाएँ, छोड़ो बिरयानी बनाने में चलते, बिरयानी दिखाने चलते, चलो। तो यार गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी बिरयानी बना रही है, तो मैंने सोचा कि बिरयानी की वीडियो ही बना लें। तो अम्मी ने गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया, और तेल भी गर्म हो चुका है। तो यार अम्मी गई हुई थी, तो मैं ही जब तक हिला लेता हूँ थोड़ा बहुत, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली है, क्योंकि मेरी सालगिरह थी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। यार भाई लोग, हम इसको अब थोड़ा बहुत हिला लेते हैं, क्योंकि जो है अम्मी गई हुई हैं, तो हम इसको थोड़ा बहुत अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा बहुत हिला लेते हैं। हिलाने के बाद जो है अब हम जो इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें कुटी हुई, जो मैंने कुटी हैं अपने पास से, वो हम इसके अंदर मिलाएंगे, फिर हम इसको जो है घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी हमने डाल दिए, अब हम इसको घुमाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता 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 करके घुमाएंगे। सर देखो, घुमाने का काम इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा है, और जो है मतलब कि अलग अलग टाइप में ना, आप देखो हमने जैसे कि थोड़ा मिर्ची डाली थी, मिर्ची के ऊपर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, मिर्ची जो प्याले के अंदर रह जाती है वो बची रहेंगी। फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना देसी मसाला, जो हम अब खुद करके अंदर बनाते हैं वो हम डालेंगे, इसको 4 चम्मच डालेंगे हम देसी मसाला, तो इससे जो है बिरयानी का भरपूर टेस्ट आ जाता है, भरपूर जो है इसके अंदर मज़ा आता है, जायका आता है, उसको खुशबू उठती रहती है। हम इसको दोबारा मसाला डालने के बाद दोबारा हम इसको चलाएंगे, चलाने के बाद जो है अब देखो, जो हमने जो मसाला डाला था वो अदरक लहसुन पेस्ट के अंदर जो है घुल चुका है, अब देखो लाल लाल जो है इसका मसाला हो गया है। अब इसके हम डालेंगे पुदीना, हरा धनिया, जो कि ऊपर मसाले के अंदर ही शुमार होता है। तो अब इस डालने के बाद हम इसको अब घुमाएंगे, फिर मैंने वही बात हो गई कि अब दोबारा इसको हम घुमाते हैं, घुमाते 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 हैं, थोड़ा हिलाया जा रहा है, थोड़ा बहुत हिलाया जा रहा है, पूरा हिलाएंगे, अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे, अच्छे से मिल जाए धनिया पुदीना मसाले के अंदर, और जो है फिर इसके बाद हम मिलते हैं। फिर मिलने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला जो है बहुत ही ज़्यादा सूख गया था। पानी डालने के बाद अब जो है इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर, टमाटर ऊपर से डाल दिए, टमाटर को भी हम थोड़ा सा जो है घुमाएंगे, और जो है इसको ना क्या बोलते हैं दम के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है खुशक हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो है ये देखें दम हो चुका है, दम होने के बाद जो है अब हम लोग आलू डालेंगे इसके अंदर, आलू भी पीले पीले होते जा रहे हैं, तो आलू डालेंगे हम इसके अंदर। आलू डालने के बाद आलू को भी हम फिर थोड़ा बहुत मिक्स करेंगे, अब आलू डालते हैं, हम आलू दिखाते हैं आप लोगों को। आलू डालने के बाद जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे। तो यार भाई अब हम लोगों ने आलू डाल दिया, इसके ऊपर हम दही डालेंगे। अब देखो यार कैसा हो गया, वाइट 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 सारा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वाइट वाइट हो गया, बस थोड़ी सी देर रह गई इसको पकने के लिए। तो यार अब जो है हम इसको दही को भी थोड़ा बहुत हिला लेंगे, हिलाने के बाद जो है दही हम इसके अंदर ही मिक्स कर देंगे, जैसे कि देखो दही हो गई इसके अंदर मिक्स। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर से हमने प्याज डाल दी है, जो कि हमें आप वीडियो दिखाई नहीं थी, लेकिन आपको प्याज दिखा देते हैं हम इसको। हम जो आलू जो हैं गल चुके हैं बिल्कुल ही ज़्यादा, प्याज देखिए हमने मिक्स कर दिया है, अब आलू जो गल चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि आलू भी जो हैं गल गए हैं बिल्कुल ही ज़्यादा। आलू अब ये देखो, आप जो है देख लो, देखो आलू जो है बिल्कुल ही गल गए, ठीक है भाई। तो फिर हम लोगों ने अम्मी ने देखो इफ्तारी भी तैयार कर लिए, समोसे वगैरह तल लिए हैं, और जो है भाई साहब तो ये है पतीली, और भाई साहब ये है चावल, और ये है चावल गीले गीले पानी चावल है। अब ये जो चावल है हम इसको पानेंगे, क्योंकि अब चावल डालेंगे, चावल को हम लोग फिर छन्ने में छान के फिर हम लोग जो है मसाले के अंदर जो है ये अलग बॉयल होने के, फिर उसके बाद देखो चावल हो गए बॉयल, अब हम लगेगी इसके अंदर तेल। अब आहिस्ता आहिस्ता देखो, पहले हम लोग डालेंगे आलू,
फिर उसके बाद थोड़ा मसाला, फिर उसके बाद चावल डालेंगे, फिर उसके बाद हम जो है अभी देखो आप लोग हमें दिखाते हैं, देखो हमने आलू वगैरह डाल दिए, फिर हमारा स्पेशल कच्चा मसाला डलेगा जो कि जो है बिरयानी के अंदर अलग ही एक टेस्ट लेकर आता है हमारे लिए। ये हमारा स्पेशल मसाला हम किसी को बताते नहीं, लेकिन हमने व्लॉग के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया तो हमने दिखा देते हैं पब्लिक को भी। फिर अब जो है ऊपर से चावल वगैरह डलेंगे, फिर उसके बाद जो चावल वगैरह डल गए अब हल्दी, थोड़ा हल्दी का रंग भी डलेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर वगैरह जो भी हल्दी का कलर होता है, सॉरी जर्दे का कलर होता है, फिर हम तेल डालेंगे ऊपर से। तेल डाले, हमारा ये लास्ट लेवल था, हमारी बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। हम लोग अफ्तारी पर पहुँच चुके हैं, घर में आ चुके हैं। अब हम जो अफ्तारी करेंगे तो अफ्तारी भी दिखाते हैं। हमारे पास हैं ये माशाल्लाह से पकोड़े, समोसे, ये आपको मैंने बोला था कि केक होगा ये मुदस्सिर भाई साहब का, और ये हमारे पास है क्या ये तरबूज और खजूर। वो असल में मुँह से फटाफट नहीं निकलता ना यार, तो ये हमारे पास ही। और बिरयानी अभी दम पे लगी हुई, जैसा कि आप लोग को हमने बताया, वो आएगी तो फिर हम खाएंगे उसको। और ये मुदस्सिर भाई केक काटेंगे ना तो इसके अंदर वैसे ही काट लेंगे, इनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग को पता है रमज़ान है। तो बस अभी कुछ ही मिनट्स हैं अफ्तारी में, फिर अफ्तारी करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। जैसा कि आप लोग को हमने बिरयानी बनाने का तरीका दिखाया, उम्मीद है बिरयानी बनाने तो आ गई होगी। अब आप अगली दफ़ा खुद बिरयानी बनाएंगे घर के अंदर, सही है? नहीं, आप लोग नहीं बनाएंगे, आप बोलेंगे मम्मी बना दो बिरयानी। तो हमने आपको बिरयानी बनाने का तरीका भी दिखा दिया, अफ्तारी भी कर ली, पेट भी भर गया, मुझे भी साल भी हो गई। तो प्लीज़ ब्लॉग पहले ही एंड करते हैं। उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर हम वो ऐसे ही हैं, उनको छोड़ो, फिर सही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। तो हमारे ये कारीगर हमें पिल्ले के दूसरा पार्ट, सेम पिल्ले, ये देखें आप, पिल्ले का दूसरा पार्ट। तो फिर इनकी भी वीडियो आएगी, चैनल पे आएगी, अभी आ जाएगी एक आध दो दिन में। तो फिर एंड करते हैं इसको।